साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान, मैं ये ठीक ठीक जानता हूं कि हमारे पंथ का विरोध होता है, विरोध होगा, ये होगा ही होगा। युद्ध अगर आदमी लड़ रहा है, कहीं चोट लगेगी लगेगी। क्यों होगा विरोध? मुझे एक आदमी ने, एक पत्रकार ने एक दिन एक प्रश्न किया, महाराज आपका विरोध करते हैं कुछ लोग। मैं कहा बिल्कुल करेंगे। उस विरोध के पीछे पृष्ठभूमि है, उनके समर्थक भी काफी हो जाएंगे, उनको साथ देने वाले भी हो जाएंगे। कैसे? हमारे एक आश्रम की जमीन एक आदमी ने काट कर उधर धान लगा दिया, करीब बन्ने को काट करके, पेड़ को काट करके 6-7 फीट अंदर हो गया। मैं मौके पर पहुंचा, मैंने उस किसान को बोला, भाई देखो ये ताज़ा ताज़ा मेड़ काटी है आपने, अच्छा नहीं है, आश्रम की जगह है, आप अपनी लाइन में रहें। इतने में 3-4 आदमी और उसकी सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कहा भाई न्याय ये है कि आप देखिए ताज़ा ताज़ा कटा हुआ है। मैंने पूछा ये लोग कौन है, तो मेरे एक शिष्य ने कहा गुरुजी इन्होंने उस तरफ से भी बना, इन्होंने काटा हुआ है। देखा चोर चोर मौसेरे भाई, वो सपोर्ट में इसलिए आए थे कि दूसरी साइड से उन्होंने भी काटा हुआ था। वो भी एक, उसने पूरब पश्चिम से काटा था, उन्होंने पूरब से, और उत्तर से उन्होंने काटा हुआ था, और दक्षिण से सड़क थी। जो समर्थन करने आए थे उसका, वो भी काटे हुए थे आश्रम की जमीन। देखा ना, इसलिए जब ऐसे आदमी आवाज उठाते हैं तो उनके समकक्ष काफी लोग खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि महात्मा अकेला भी हो जाता है। ये क्यों होता है? स्वार्थी तबका एक जनसमूह को गुमराह भी करता है, तो भोले भाले लोग उनकी चाल में आ जाते हैं। इस प्रकार वो काफी हजूम को इकट्ठा करके अपने अर्थ की सिद्धि करते हैं, पक्का सिद्धि करते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा महाराज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। क्या बात हुई? बोला आपका मैंने एक आश्रम जला दिया था। अच्छा क्यों जला दिया था? अगर जला दिया अभी माफी मांगने क्यों आए हो? बोला उस समय कुछ पाखंडी तबके ने यह प्रचार किया था कि आदमी धर्म बदल रहा है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया, इसलिए हम एक वेग में आ गए कि आदमी बाहरी पैसे ला करके धर्मांतरण कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं आदमी को। मैं कहा फिर, बोला लेकिन बाद में मैंने पाया आप तो एक शुद्ध हिंदू है, आप तो कोई धर्म ही नहीं बदल रहे, आप सत्य अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले ऐसे क्यों किया? बोला वो हजूम यही प्रचार कर रहा था, बस आवेग में आ गए हम, हमने ये काम कर लिया। साहिबवाणी में कह रहे हैं चारों तरफ मार 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 कहलाए तो लालों का लाल कहलाए। लेकिन अब प्रश्न उठा विरोध क्यों? आपका विशेष रूप से विरोध होगा, स्पेशली कंसंट्रेटली और ट्रेसली। मुझसे यही प्रश्न एक ने किया,
कि आपके समांतर चलने वाले काफी मत मतांतर हैं जो बाहरी उपासना नहीं करते, उनका उतना विरोध नहीं है, आपका क्यों? मैंने कहा सुनो, कुछ लोग पांच नाम को देते हैं, संतत्व की बात कहते हैं, हालांकि वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, पर उनका विरोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, ओमकार को तो वो जप रहे हैं, उन नामों में से, पांच नामों में से। जब ओमकार जप रहे हैं तो बाकी सरगुण वाले बोल रहे हैं ये हमारे चाचा भतीजे हैं, क्योंकि जिस ओम की हम उपासना कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, और हमारा साहब तो कह रहे हैं ओमकार निरंजन जानो पुरुष नाम से गुप्त मानो, वो तो ब्रदरहुड में आ जाते हैं। अरे जैसे भाई संतरा किन्नू मौसमी सिस्टरहुड फ्रूट है, ये मिलती जुलती तासीर है, सरगुण निर्गुण की तासीर मिलती जुलती है, हमारी तासीर नहीं मिल रही है। भाई कुछ हैं सोहन का स्मरण करने वाले लोग हैं, वो बाहर की भक्ति नहीं कर रहे, उनका भी विरोध नहीं होगा, वेदों में भी सोहन का उल्लेख है। भाई जो ओमकार का स्मरण कर रहे हैं उनका वेदांती लोग क्यों खंडन करें, उनका आर्य समाजी क्यों खंडन करें, उनके बाकी मत मतांतर के लोग क्यों खंडन करें? पर साहब तो कह रहे हैं ओमकार है जग को मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार निरंजन जानो पुरुष नाम से गुप्त मानो, तो खंडन होगा नहीं होगा? अगर आप देखेंगे जितने भी मत मतांतर प्रचलित हैं, भाई ये खंडन नहीं, निंदा निंदा सब कहे, ये निंदा नहीं है, निंदा निंदा सब कहे निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। निर्गुण भक्ति बेसिकली क्या है? निर्गुण भक्ति में योग को महात्म है। भाई एक योग है फिजिकल योग, हम मसल्स के लिए कर रहे हैं, एक है प्राणों का योग ब्रीथिंग, एक है मुद्रा योग, उसमें प्राण योग भी आ जाता है। योगी लोग खट चक्र भेद करके आज्ञा चक्र में कंसंट्रेट होते हैं, योग में प्राणों को आयाम करने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो खेचरी मुद्रा हो, चाहे वो चाचरी मुद्रा हो, चाहे वो अगोचरी मुद्रा हो, चाहे वो भूचरी मुद्रा हो, इसका प्रमाण मिल रहा है। इसलिए योग वाले भी सरगुण भक्ति से थोड़े मेल खा रहे हैं। अगर सरगुण वालों को देखें अलग निरंजन कह रहे हैं और योगी भी कह रहे हैं, तो ये ब्रदरहुड में आगे नहीं आगे? वो भी रणकार बोल रहे हैं, योग वाले ओम बोल रहे हैं, साहब तो वाणी में कह रहे हैं रणकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार पहचाना। तो भाई हम इस पॉइंट पर अलग हो गए सबसे, हम काफी जुदा हो गए, क्रियाओं में भी जुदा हो गए, ध्यान करने में भी हम जुदा है, स्मरण में भी हम जुदा हो गए ना थोड़े से दुनिया से। जो रक्षक तहें चीनत नाही, जो भक्षक तहें ध्यान लगाई, गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन को सब दलिया, ब्रह्मादि शिव सनकादि अज सुर काल के गुण गावही। देखा कितना सख्त साहब बोल के जा रहे हैं, यह हवाई बातें नहीं है कि भाई ब्रह्मादि शिव सनकादि अज सुर निरंजन तक जाए, निरंजन माए समाए आगे का कोई भेद न पाए, तो इनका मसला मिलता जुलता है। हम न सरगुण भक्ति बोल रहे हैं न निर्गुण, पर हम खंडन किसी का भी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों से परे की बात बोल रहे हैं।
कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए। वाह भाई वाह, कुछ तो सरगुण में लगे हैं, कुछ निर्गुण में आ गए, कुछ निर्गुण भक्ति में लगे हैं। सरगुण निर्गुण एक ही जानो, ये एक ही बात है। क्योंकि सरगुण भक्ति करने वाला अगर मूर्ति पूजा भी कर रहा है तो ओम नमो शिवाय भी तो बोल रहा है, ओम का गायत्री भी तो बोल रहा है, ओम का उच्चारण तो कर रहा है ना। और निर्गुण में अगर वो अगोचरी मुद्रा में जा रहा है, अपना दूसरी मुद्रा में ओम का जाप करके प्राणों का आयाम भ्रगुटी में कर रहा है, तो दोनों का कम से कम रिलेशन तो है ना। अलग दिख रहा है संतरा, अलग दिख रहा है किन्नू, दोनों सीट्रेट और तासीर तो मिल रही है ना। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं सरगुण निर्गुण एक ही जानो। दादू दयाल जी वाणी में बोल रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। वाह भाई वाह, दादू दयाल बोल रहे कुछ तो सरगुण में लगे हैं, कुछ निर्गुण में, पर जो साहेब की चाल थी अटपटे दोनों दिन में ना आए। हिंदू तो हद में चले, मुसलमान हद पार, दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना आए। आइए हम देखें, पहला योग तो फिजिकल योग किया जा रहा है। फिजिकल योग का लक्ष्य है शरीर को स्वस्थ रखना, हम इसके खिलाफ नहीं। मुझे स्वयं योगा करते 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। मैं 12-13 साल की आयु से ही व्यायाम योगा आदि कर रहा था। हम योग के खिलाफ ही नहीं है, पर उसकी एक परिधि है, एक सीमा है। आप बस में बैठकर समुद्र पार नहीं कर सकते। सरगुण निर्गुण एक ही जानो। मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं बहुत गहरी है, बहुत बारीक है, बहुत रहस्यमय है, समझना इतना आसान नहीं है। अटपट चाल कबीर की मोह से लखी न जाए। सुने, जो फिजिकल योगा है हम इसका विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, पर हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल योग करके प्रभु तक नहीं पहुंच सकोगे, ठीक है। मसल पावर ठीक हो जाएगा, सेहत ठीक हो जाएगी, रोगों पर नियंत्रण हो जाएगा, वो भी क्रमबद्ध तरीके से करो तो। स्त्रियों के लिए अलग अलग योग हैं, बच्चों के लिए अलग योग हैं, यंग आदमी के लिए अलग हैं, वृद्ध लोगों के लिए अलग योग हैं, उम्र के अनुसार हैं वो। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं काफी योग का प्रचार है। आप सावधान रहें, अगर योगा आपने बिना जाने ठीक से नहीं किया तो उसका रिएक्शन भी हो जाएगा। आप सावधान रहें, अगर बिना जाने आप साधना कर रहे हैं तो आप अटक जाएंगे। साहब ने यहां पर एक बात कही, ये घट मंदिर प्रेम का ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के तो बिन सिर से ती जाए। यानी इस शरीर के अंदर बिना जाने नहीं घुसना, तैयारी के साथ घुसना। समुद्र में अगर जा रहे हो डुबकी लगाने के लिए, गोताखोरी करने के लिए, तो ऑक्सीजन का इंतजाम करके जाना, वहां नहीं मिल पाएगी। बड़ी सावधानी से और जानकारी से शरीर में घुसना। दूसरा, योगी योग करते हैं। ये योग जो था ये तो शारीरिक योग है, शीर्षासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, धनुषासन, वज्रासन आदि आसन, ये तो शरीर की क्रियाएं हैं। इसके माध्यम से हम शरीर को पुष्ट करते हैं।
हमारी स्थूल कोशिकाओं से संबंध रखता है योग, हम इसका भी खंडन नहीं कर रहे हैं, पर इसकी एक परिधि है, एक सीमा है। इससे अगर आप सोचें कि आत्मज्ञान को प्राप्त करें तो नहीं हो पाएगा। इस तरह सरगुण भक्ति की एक सीमा है, हम उसका खंडन थोड़ी कर रहे हैं। सीमा शास्त्रों में वर्णित है भाई, सरगुण में दान पुण्य शुभ कर्मों को महत्व है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्राप्ति क्या है? इसके लिए यह है स्वर्ग आदि सामिप्य और सालोक्य को, लोक को, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। सामिप्य में पित्र आदि लोकों में पहुंच जाओगे, नरक में नहीं जाओगे। वेदाकुल वेदानुकूल चल करके शुभ कर्म करके परमार्थ करके आप पित्र आदि लोकों में जाएंगे, हजार साल वहां पर रहेंगे पितृलोक में, पुनर्जन्म विद्यते। अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हैं, वेदों ने शास्त्र दिए दिशा दी है। साहब ने साहब कहा, कहो कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद ने बिचारा। दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, हम निष्फल थोड़ी बोल रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप चाहें कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वहां आत्मज्ञान नहीं है, स्वर्ग में आत्मज्ञान की बात ही नहीं है। और अगर आप कहें तो वो स्थाई है तो ऐसी भी बात नहीं है, कर्माणि क्षीण कर्म क्षीण होते मृत्यु लोक में आ जाओगे, ये तो हमारे धर्मशास्त्र भी बोल रहे हैं। इसलिए हम तीर्थ नहाए जो कुछ हो ही सो सब भाग सुनाऊं तो ही, ऊंचे कुल में ले जन अवतारा, जन्म ले उज्जवल तन पाए, ऊंचे कुल में ले अवतारा, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवहारा। उत्तम कुल में जन्म मिल जाएगा, सुंदर देही मिल जाएगी, पुनर्जन्म होगा। अगर आप चाहें कि इसके माध्यम से हम हमेशा संसार से पार हो जाएंगे तो ये भूल है आपकी। मैंने कई बार मृदगल ऋषि का वृतांत बताया, कन्नड़ ऋषि थे मृदगल, महान परमार्थी, दान पुण्य करने वाले सत्कर्मी। एक बार देवदूत पुष्प विमान लेकर उनके पास आया, कहा महाराज ऋषिवर तुम्हारी जय हो, मैं देवदूत आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं, वैकुंठ से बुलावा आया है स्वर्ग से, आपके शुभ कर्मों के कारण आपको स्वर्ग में चलने का निमंत्रण है, आप चलिए स्वर्ग। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, मुझे पहले यह बताओ स्वर्ग में कैसा है, क्या व्यवस्था है, कैसा रहन सहन है, क्या जीवन शैली है, कैसा वातावरण है, तो मैं चलूं। भाई आप कोई फॉरेन कंट्री जाता है, पूरी तैयारी में जाता है कि वहां का वातावरण कैसा होगा। देवदूत ने कहा, महाराज क्या बताएं, स्वर्ग अनूठा है, सम शीतो उष्ण वातावरण, कोई गर्मी नहीं, वहां पसीना नहीं आता है, कोई ठंड नहीं लगती है, बहुत सुहावना मौसम है, दृश्य परम सुंदरमय है, चारों तरफ पुष्प फूल खिले हुए हैं, महक बेशुमार है। स्वर्ग में हे ऋषिवर बीमारी भी नहीं है, रोग नहीं है, और वहां कोई अभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां जैसे हम संसार में देखते हैं, अगर धन है तो फिर स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है तो संतान नहीं है, संतान है तो उसका सुख नहीं है, अभाव नहीं है वहां।
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, 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 साहिब मेरा साहिब। यहां जैसे हम संसार में देखते हैं, अगर धन है तो फिर स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है तो संतान नहीं है, संतान है तो उसका सुख नहीं है, अभाव नहीं है। वहाँ वहाँ हर तरह के पेड़ लगे हैं, बारह ही महीने आम के, अमरूद के, जो भी पेड़ हैं, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी फल खाना चाहें, कोई रोक टोक नहीं है। सबके हाथों में, गले में, कमर में मालाएँ हैं जो अत्यंत लुभावनी खुशबू देती है, बहुत सुंदर है स्वर्ग। बोला अच्छा, स्वर्ग की व्याख्या की देवदूत ने, बड़ी अच्छी, बहुत शब्द बोले। ऋषि मृदगल ने पूछा, हे देवदूत, स्वर्ग में जो उचित नहीं, ठीक नहीं, वो क्या है, माइनस पॉइंट क्या है? बोला ऋषिवर, वहां तीन बातें हैं जो ठीक नहीं है। बोला क्या? बोला ऋषिवर, पहले तो वहां भय है। बोला भय क्यों? बोला ऋषिवर, सबके गले में, हाथों में, भुजाओं में मालाएं हैं, जो मालाएं कुंभलाती नहीं है, बड़ी सुंदर है, महक भी निराली है। जब पूर्ण क्षीण होने वाले होते हैं, थोड़ा समय पहले से वो माला कुंभलाती है, तो पता चल जाता है वहाँ रहने वाले को, मेरे अभी कर्म क्षीण हो रहे हैं, मुझे पुनः मृत्यु लोक में जाना है। इसलिए वहाँ भय है, निश्चितता नहीं है, निश्चिंत नहीं आदमी। अच्छा अच्छा। दूसरा बोला, वहां ईर्ष्या है। स्वर्ग में ईर्ष्या किस बात की? हे ऋषिवर, तीन श्रेणियों के स्वर्ग हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। जैसे हम देखते हैं ना, ट्रेन में सफर करते, तीन श्रेणियां हैं, साधारण, उत्तम, मध्यम। जो जर्नल में है वो सोचते हैं, यार हाई क्लास वाले हैं, वो तो मौज में है, और जो मिडिल में है वो भी सोचते हैं, जो हाई क्लास में है अपने को सुपीरियर मान रहे, जो बिलो क्लास में जर्नी कर रहे हैं, लोअर क्लास में, उनको वो हीन हे भावना से देखते हैं, वैसा ही है। अच्छा, तीसरा, हे ऋषिवर, स्वर्ग में उन्नति नहीं है, वो केवल भोग लोक है। हम वहाँ कुछ अपनी ओर से इनिशिएटिव लेकर काम नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ पर कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम कोई उत्थान नहीं कर सकते हैं, कोई बढ़त नहीं कर सकते हैं, ब्रेक है वहाँ एक तरह का, सिर्फ वो भोग भोगना है। वहाँ कोई चाहे कि यहाँ रह करके ब्रह्म आदि लोगों को पाऊँ तो नहीं जा सकेगा, वहाँ कोई उन्नति नहीं है, केवल वहाँ पर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने जाना है। बोला अच्छा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, मुझे ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना है। बोला क्यों? बोला तुम्हारा स्वर्ग दोष युक्त है, जहाँ पर भय है वहाँ शांति कैसी? अरे भाई, आदमी भयभीत है तो शांति मिलती है क्या? तुम्हारे स्वर्ग में कैसा सुख, जहाँ भय है कि एक दिन जाना है, सुख कैसा? मुझे तुम्हारे स्वर्ग में दोष दिख रहे हैं। हे देवदूत, जहाँ ईर्ष्या वहाँ आनंद कैसा? ईर्ष्या में तो ग्लानि होती है, जलन होती है। जब वहाँ ईर्ष्या है कि ये मध्यम है, ये उत्तम है, तो तुम्हारे स्वर्ग में आनंद हो ही नहीं सकता है। मेरे विवेक से तुम्हारा स्वर्ग दोष युक्त है। तीसरा, जो केवल भोग हैं जहां, वहां ज्ञान ज्ञान कैसा? वहां केवल हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जा रहे हैं, आगे का हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो परमानंद की प्राप्ति करनी है, इसलिए तुम्हारा स्वर्ग विराम लगाता है मेरे अभियान को। मुझे तुम्हारे स्वर्ग की कोई कांक्षा नहीं। हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने पहले स्वर्ग की दशा मुझे बतलाई। हम लोग स्वर्ग के लिए दीवाने हैं, मरे जा रहे हैं, हाय स्वर्ग जाना है, हाय स्वर्ग जाना है, रखा क्या है स्वर्ग में? हमें यही समझाया गया है ना कि बहुत पाप करोगे तो
पुण्य करने के बाद पाप कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, कर्म गत टारे ना हिटरी, वो आपका प्लस पॉइंट अलग रहेगा, माइनस पॉइंट अलग रहेगा। प्रमाण नहीं मिलते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला था, अधूरा, इतना महान सत्यवादी था, उसका भी दंड मिला कि स्वर्ग नरक में अंगूठा डुबाना पड़ा था। इसका मतलब यह था कि इतने पुण्यों ने भी उसका ये पाप नहीं काटा था ना। इसलिए हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि स्वर्ग नहीं है, हम स्वर्ग का खंडन थोड़ी कर रहे हैं, या हम मूर्ति पूजा का खंडन यहाँ थोड़ी कर रहे हैं, उससे कुछ मिलेगा, पर जो कुछ मिलेगा पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। पुनर्जन्म विद्यते, आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर माया में आना पड़ेगा, फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। अच्छा भाई, दूसरा आयाम है भक्ति का निर्गुण। हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम सब ऋषि खानदान हैं, इसलिए किसी का गोत्र भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का कश्यप है, किसी का सांडिल्य है, किसी का कुछ है, ये क्या है, ये हमारे पूर्वज लोग थे, उन्हीं से वंशज है। ये देश ही ऋषि खानदान है, ऋषि संतान है। हमारे पूर्वजों ने योग भी किया, ये तो मूर्ति उपासना का पद्धति बहुत बाद में चली है, वो योग करते थे। योग क्या है, फिजिकल योग क्या, नहीं, फिजिकल योग नहीं कर रहे थे वो सूर्य आसन। हाँ, ये तो शरीर के लिए किया जाए तो खराब नहीं है, हम योग को भी खंडित नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वज्रासन किया तो बहुत अच्छा है, इससे शरीर की कोष्ठाएं इंद्रियों में विकार नहीं आएंगे, अच्छा है। अगर आपने शीर्षासन किया तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर इससे सोचो कि परम प्रभु को पा लेंगे तो ये भूल हुई नहीं हुई, कम से कम भौतिक योग की दिशा हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचाती है। इसलिए ये नहीं कहेंगे हम, आगे हैं ध्यान योग, आगे हैं पंच मुद्रा योग। हमारे ऋषियों ने वो योग किया ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उन्होंने योग किया। क्या योग किया, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, इन मुद्राओं का योग किया। वो क्या होती है, वो कैसे चलते हैं, हमें ठीक से समझना होगा। इन पंच मुद्राओं पर मैं आमतौर पर बोल रहा हूँ, साहिब ने भी वाणी में कहा, संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। अब देखते हैं ये भूचरी क्या है, चाचरी क्या है, खेचरी क्या है, उन्मुनी क्या है, अगोचरी क्या है, इनकी महत्ता क्या है, हम इनके द्वारा कहाँ पहुँचेंगे, ये जानना है हमें, भक्ति को ठीक से समझना है। कभी कभी कुछ बच्चे मुझसे आकर पूछते हैं, आगे क्या सब्जेक्ट लें। अच्छा तुम बताओ, राय दूंगा, तुम किस विषय से ग्रेजुएशन करना चाहते हो। बोला जो आप बोलें। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। आपने प्लस टू में क्या लिया था, अब देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, बायो ली थी, क्या लिया था, क्योंकि तुम्हारी उसकी स्टडी है, उस रूट पर चल पड़। अभी बायो वाला अगर MBA करता है तो उसको बहुत दिक्कत आएगी, तो इस तरह से फिर मैं राय देता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो भाई जो तुम्हारा लाइन है उसके अनुसार आगे चल। बायो के स्टूडेंट को कहो MBA करो तो उस बेचारे को पसीना छूटेगा, उसे पहले तो पूरी मैथ थ्योरी सीखनी है, अकाउंट सीखना है, उसके बाद तो आगे जाए ना। अब आप कौन सी मुद्रा करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, पहले ये बताओ आप क्या चाहते हैं। बार बार दुनिया में आना है तो उसके लिए भी रास्ता है, स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए भी रास्ता है, ब्रह्मलोक में जाना है उसके लिए भी रास्ता है, आप क्या चाहते हैं। आप दुकानदार के पास, कापड़िए के पास जाते हैं कपड़ा लेने, आप क्या कपड़ा चूज करते हैं, वो क्या दिखाता है, सबसे पहले वो आपके कपड़े पर नजर डाल रहा है, इसने पहना क्या है। अरे आपको हीरे खरीदने हैं तो कहाँ जाते हैं, जौहरी के पास या कुंजड़े के पास। एक माता एक दिन आई मुझे बंदगी किया,
प्रणाम करके बोला, पहली बार आई थी शायद, कहा महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। वो ये बोलकर जा रही थी, मैं कहा बहन जी रुको रुको, आप बेहद गलत ठिकाने पर पहुंच गई हैं। वो एकदम चौंक गई, वो बेचारी चौंक गई। मैंने कहा यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती हैं, चूर्ण की जाती हैं। मैंने कहा यहाँ मनोकामनाएं चूर्ण की जाती हैं। अगर एक मुझसे कोई आकर पूछे गुरुजी पोल्ट्री फार्म खोलना है मुझे शायद बताओ, मैं भगा दूंगा। मैं शायद आयद नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो उसके खिलाफ हूँ कि वहाँ तो हत्या होगी। भाई ये कौन सी शायद पूछने आया तू मुझसे, या कोई कहे मॉडल करने जा रहा हूँ किसी का, कौन सा टाइम ठीक है गुरुजी बताओ, तो तुम्हारा प्रयोजन बड़ा गलत है, इसमें मेरा हाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कहा बहन जी आप गलत ठिकाने पहुँच गई हैं, यहाँ मनोकामनाएं चूर्ण करते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण ही कल्पना है, स्वेच्छा निर्मित तन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। मैं कहा वेरी गुड, हम इसके खिलाफ थोड़ी है, लेकिन कम से कम हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखा रहे हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। लिविंग LIVING, लिविंग, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड, आर्ट ऑफ लिविंग, बट वी आर लर्निंग आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव वर्ल्ड, दुनिया कैसे छोड़ें, हम दुनिया में उलझे हैं। जब आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब आप दुनिया को छोड़ने का सोचेंगे तो जरूर आपको आर्ट ऑफ लिविंग आएगी। इसलिए हम व्यापारी हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, नॉट आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग। भाई जो आदमी दुनिया को स्वप्नवत मानकर चल रहा है दूसरे को दुखी नहीं देगा, जो संसार को जाना है यहां से आर्ट ऑफ लिविंग जानता है वो किसी को दुखी नहीं देगा। यू हैव नीड टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग, देन आर्ट ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली विल बी कम टू यू। अगर आप ये सीख जाएंगे व्हाट इज थ्योरी ऑफ द व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, देन ऑटोमेटिकली आर्ट ऑफ लिविंग विल कम। इसलिए हम सिखा रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग, दुनिया कैसे छोड़नी है। जो संसार को सपनावत मानकर चल रहा है एक दिन यहां से जाना है ये सीख लेता है, वो किसी से दुराचार नहीं करता है, किसी को पीड़ा नहीं दे सकता, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, हिंसा नहीं कर पाएगा। तो पहले हमें देखना है कि आप चाहते क्या हैं, आपका प्रयोजन क्या है। अगर आपका लक्ष्य छोटा सा है तो आप भूल में हैं। सत्संग सुने, एक बार एक माता मेरे पास आई, बड़ी खुश थी, अपनी लड़की को साथ लेके आई, एक डब्बा मुझे दिया मिठाई का। पूछा मैंने क्या बात है, क्या इसकी सगाई है या क्या बात है? बोला नहीं गुरु महाराज ये मैट्रिक पास हो गई। मैं कहा ये तो बड़ी लग रही है, अभी मैट्रिक पास किया? बोला हाँ। तो मैं डिवीजन पूछ लिया, किस डिवीजन से किया? वो थी DDMP, धक्कम धक्का मैट्रिक पास, थर्ड डिवीजन से। खुश थे लेकिन, क्यों? वो 3 साल रह गई थी मैट्रिक में, तो मैट्रिक पास करना ही उसके लिए बहुत बड़ा एम था, वो इसलिए खुश थी। अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद एक और माता आई अपने बेटे को लेकर, बेटा बड़ा उदास था, रिजल्ट भी निकला था, मैं सोचा शायद फेल तो नहीं हो गया, क्या बात है? बोला गुरुजी ये 2 दिन से खाना ही नहीं खा रहा है। मैं बोला क्या बात है? बोला रिजल्ट निकला उसके बाद खाना नहीं खा रहा है। क्या बात हुई, फेल हुआ क्या? बोला नहीं। पास हो गया? बोला हाँ। क्या परसेंटेज है? 89 कुछ हो। मैं कहा फिर तू क्यों रो रहा है? बोला गुरुदेव पक्षपात हुआ, मैंने बोर्ड टॉप किया था, स्टेट में टॉप करना था मैट्रिक में मैं, ठीक है। देखा उसका लक्ष्य ऊंचा था,
आप अपना लक्ष्य अगर सीमित रखे हुए हो तो भाई फिर वो डीडीएमपी वाला हिसाब हो जाएगा। आपने स्वर्ग तक का लक्ष्य नहीं रखना है, आपका लक्ष्य हो पुनर्जन्म न विद्यते, उस महान तत्व की प्राप्ति, ये लक्ष्य रखकर चलो ना। पास तो वो भी है जो तीन बार फेल होकर के थर्ड डिवीजन से पास हुआ, लेकिन एक पास वो भी है जिसने टॉप किया। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिड़ला जाना, पंच मुद्राएं अब आपको सोचना है। आप बाजार जाते हैं ना भाई, घर है, आदमी घर बना रहे हैं अपनी अपनी औकात से। घर कहाँ से बनाना शुरू होता है? घर बनाना शुरू होता है 100 रुपये से, 100 रुपये से घर बनाना शुरू होता है। आप देखते हैं बेचारे गरीब जो बागड़ी लोग हैं, 50 रुपये का पॉलीथिन लाते हैं, एक बांस लाते हैं, उसको गोलाकार में काट कर गाड़ते हैं, उस पर पन्नी बांध, वो पॉलीथिन बांध करके उसमें रह लेते हैं, वो भी तो घर है ना। घर की लागत है कुल 50 रुपये, 100 रुपये कहाँ बनाया, कहीं खुली जगह थोड़ी सी भी मिल गई, कहीं रेल की पटरी के किनारे या कहीं, उसने भी घर बनाया। कुछ लोग फिर हैं झोपड़ी बनाते हैं, थोड़ा उसमें लागत ज़्यादा है, उनका मुद्दा है, उनकी औकात है अपनी। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो थोड़ा बांस फूस थोड़ा पैसा खर्चा किया, थोड़ी खर आदमी लेबर लगाकर घास का घर बनाया, जैसे देखो मेरा भी है, कंफर्ट भी होता है। अच्छा ठीक है, उन्होंने अपना घर बनाया। कुछ लोग हैं भाई सीमेंट की चादरें लगा देते, थोड़ी उनकी कंडीशन ठीक है, थोड़े जो फाइनेंशियली थोड़े और ठीक है वो RCC बना देते हैं। कुछ जो काफी रिच लोग हैं वो भी घर बना रहे हैं, पर भाई वो बना रहे हैं संगमरमर का बहुत टॉप, और फॉरेन कंट्री में आजकल मेटलिक हाउस बन रहे हैं, बहुत अजीब बन रहे हैं, आग भी नहीं लगेगी उनमें, और भूकंप प्रूफ है वो, भूकंप से भी उनको क्षति नहीं होती है, उन्होंने घर बनाया। ये सभी घर हैं, ये सभी घर हैं, बनाया अपनी अपनी औकात से, अपनी अपनी च्वाइस से, अपनी अपनी स्थिति से। आप कैसी भक्ति करना चाहते हैं, ब्रह्मपद चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। एक ही दुकान पर आप जाते हैं कभी कभी फल के, एक सेब है 40 रुपये किलो, एक 80 रुपये किलो, एक 100 रुपये किलो, क्वालिटी है। तो पंच मुद्रा है निर्गुण भक्ति में, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी और खेचरी। आप कौन सा योग करना चाहते हैं? दुनिया आंख बंद करके भेड़ चाल में चल पड़ रही है, पता ही नहीं है, लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया, चल पड़ा भेड़ चाल। ये क्या है भेड़ चाल? एक दिन मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था, जा रहा था, रास्ते पे भेड़ों का झुंड मिला, हॉर्न देता देता बकरवाल को मैंने कहा भाई थोड़ा साइड करो, जाने दो। अच्छा थोड़ी मैंने गाड़ी चलाई, दो भेड़े मेरी गाड़ी के आगे से ऐसे निकल गई, बाकी फिर मैं बाकी को नहीं निकलने दिया, मैंने गाड़ी तेज चलाई। जब मैं थोड़ा आगे जाने लगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, सभी भेड़े मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ के आ रही, चिल्लाती चिल्लाती। एक जानकार आदमी ने कहा गुरुदेव गाड़ी रोको। मैंने कहा क्यों? बोला ये भेड़े परेशान हो जाएगी। इसलिए क्यों? बोला ये भेड़े हैं, दो भेड़े आपकी गाड़ी से आगे गई है। मैं बोला वो तो उसी उधर ही है। बोला नहीं, बाकी यही मान रही है हमें हमारा रास्ता ही गाड़ी के आगे से है। ओ मैंने कहा ऐसा है, ये है भेड़ चाल। मैंने गाड़ी खड़ी की और सही में सभी भेड़े चिल्लाती चिल्लाती आई मेरी गाड़ी के पास से, चक्कर काट के फिर उधर ही गई। ये भेड़ चाल, आज तक मैं भेड़ चाल सुना था, आज तूने भेड़ चाल समझा दी। संगी
मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी 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 साहिब मेरा साहिब। आज तक मैं भेड़चाल सुन रहा था, आज तूने भेड़चाल समझा दी। दुनिया भी इस तरह चली जा रही है भेड़चाल में। अब आप कौन सी भक्ति करना है, निर्गुण भक्ति के भी आयाम है। देखो भाई, कुछ स्टूडेंट फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, कुछ बायो ले रहे हैं, कुछ आर्ट, वो जानते हैं इसमें ज़्यादा स्टडी है, ज़्यादा प्रैक्टिकल्स है, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है इसलिए वो आर्ट ले रहे हैं, हल्के सब्जेक्ट ले रहे हैं। लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो कह रहे हैं नहीं, हमें आगे बढ़ना है, अच्छा विषय लेना है, तो वो ले रहे हैं मैथ ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या चाहते हैं, पहले निर्धारित करो विवेक द्वारा। अगर परम निर्वाण को चाहते हो, उस परम पद की प्राप्ति चाहते हो, तो फिर हमें विचार करके जाना पड़ेगा। बिन जाने जो कोई भक्ति करे सो नहीं भव सागर से तरई। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बड़ला जाना। आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्त पर युक्त निधारी। तो और तरीका ही नहीं मालूम था, देखा देखी भक्ति की भेड़चाल में। आइए देखें, निर्गुण भक्ति भी पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द घूमती है। यह है खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी। इनकी अलग अलग दिशाएं, अलग अलग आयाम है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पॉइंट है। जब भी किसी मत मतांतर का आदमी आता है, निर्गुण भक्ति कर रहा है, तो पूछता हूँ, वो वहीं अटक जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, तुम्हें जब ये पता ही नहीं है कि कौन सी भक्ति तुम कर रहे हो, ऐवें ही लगे हुए ना। आइए ये पंच मुद्राओं पर बात करूँगा, पुनः प्रसंग आ गया। साहिब वाणी में कह रहे हैं, संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। संतों सब शब्द है शब्द पंगाना, सभी शब्द शब्द बोल रहे। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा। वाह भाई साहब करें, मैं तुम्हें बताता हूं निर्गुण भक्ति क्या है, शब्द क्या है। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा। सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। पहले सर्वशक्तिमान ने पांच नाम पुकारे, सोहं सत ज्योति निरंजन रंकार ओंकार। शब्द है निर्गुण शब्द है सर्गुण शब्द है वेद बखाना। शब्द है पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। शब्दों का हमारे ब्रेन पर, हमारे सृजन पर, सब चीज पर असर है। इसलिए साहब करें, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सर्गुण शब्द ही वेद बखाना। शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि फलाना ऋषि सभी जीवों की भाषा जानता था। आप भी जान सकते हैं, किसी भी चीज का मूल नाश नहीं होता जल्दी, यह आश्चर्य नहीं है। आप एक भाषा जान जाओ तो फिर आप दुनिया की सभी भाषाएं आप जान जाएंगे, ठीक है, फिर आप सभी जीवों की भाषा जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा है साउंड, आवाज। बेसिकली भाषा है आवाज, भाषा आवाज है। इसीलिए जो भी जीव बोल रहे हैं, जो यानी लैंग्वेज है, जो वाणी है, वो आवाज है। बेसिकली वो आवाज है। ये कक्का किकी एबीसीडी अल्लभ्य, ये बात की बात है।
जो जो भी आवाज निकाल रहा है वो कुछ बोल रहा है, जो आवाज निकाल रहा है वो कुछ बोल रहा है, उस आवाज में एक भाव है, वो है भाषा। इसका मतलब है भाषा एक मनोविज्ञान है। आप ध्यान से सुनो, भाई तार पर ही तो बिजली आ रही है ना, तार एक आयाम है बिजली के संचालन का, इसलिए हमारी आवाज भाषा का एक आयाम है, बस आप इसे जानो तो आप सभी भाषाएं जान जाएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को भाषा सिखाती है, सच्चाई ये नहीं है। बच्चा पहले माँ को भाषा सिखाता है, ठीक है, पर माँ को यह पता नहीं चला। बच्चा माँ को भाषा सिखाता है पहले अपनी, जो बेसिक लैंग्वेज है उसने अभी कक्का किक्की नहीं सीखी है, अलफ बे नहीं सीखा है, वोवेल एंड कंसोनेंट एबीसीडी नहीं सीखी है। वो कैसे सिखाता है माँ को, सुनो। वो लेटा है, मलमूत्र उधर ही कर दिया, उसको इरिटेट हो रहा है, खराब लग रहा है, गीला गीला लग रहा है, वो रोता है। क्यों रो रहा है? वो बोलना नहीं जानता है, रोना एक भाषा है। वो रोता है, उस वाणी में ये बोलता है मैं इस समय अनकम्फर्ट हूँ, इस समय परेशान हूँ, तुम आओ मुझे इस गंदगी से या गीलेपन से उठाओ। वो ये बात वाणी में बोल रहा है। कई भाषाएं हैं, कई तरह से भावों की अभिव्यक्ति है। धीरे धीरे वो माँ को सिखाता है। आप क्या सोचते हैं कि माँ बच्चे को चलना सिखाया? कभी नहीं, बच्चा चलना खुद सीखता है। आप क्या सोचते हैं माँ बच्चे को जन्म दिया, बच्चे ने जन्म खुद लिया है? ये आत्मदेव कोई मामूली चीज नहीं है, किसी से भी नाइंसाफी मत करना। अंडे से बच्चा जैसे फोड़कर बाहर आता है, इस तरह गर्भद्वार से मानव बालक भी खुद बाहर आता है। वो गर्भद्वार को इस सर से ठोकर मारता है बाहर आने के लिए, यूट्रस को ओपन करता है। माँ तो एक उपक्रम है, लेकिन जन्म लेने के लिए वो अपनी चेष्टा करता है, वो अपनी चेष्टा करता है। कभी कभी उसकी गर्दन टेढ़ी हुई तो वो ये क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए डॉक्टर फौरन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। बच्चा स्वयं बाहर आता है, माँ एक उपक्रम है, पर बालक तो स्वयं बाहर आ रहा है, चलना खुद सीखता है। माँ तो एक उपक्रम है, सिर्फ खड़ा करती है, हाथ खींचती है, क्योंकि चलने के लिए उंगलियों से जमीन को ग्रिप करना होता है। बालक ग्रिप नहीं करना जानता है, वो बार बार गिर पड़ता है। वो बेचारी सिर्फ खड़ा करके उसको कहती है आगे आओ। माँ उस बच्चे को क्यों नहीं भाषा सिखा पाई जो मुख बह रहे हैं, उसको बोलना क्यों नहीं सिखा पाई? उसके पास सूत्र नहीं था। मेहंदी पिसकर रंग नहीं लाती है, ये भूल है लोगों की, वो रचकर रंग लाती है, वो रचकर रंग लाती है। इसलिए आप मत सोचना, आप बच्चों को कभी कभी देख कर क्या सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, नहीं, वो बहुत तेज है, आत्मदेह है, संस्कार साथ लाए हैं। तो वो भूख लगती है ना, धीरे धीरे माँ जान जाती है कि ये भूखा है, रोता है, तो माँ जानती है कि भूखा है। अचानक बच्चे का हाथ किसी चीज में पड़ गया, आग लगी, वो रोता है, माँ फौरन सभी काम छोड़कर भगती है, सोचती है किसी मुसीबत में रो रहा है अभी, देखा उसने सिखा दिया है, माँ को सिखा दिया, माँ अब उसको समझ गई है। ये सब काम अचानक कोई चीज काट दी, वो एकदम सडनली और अर्जेंट रोता है, बिना रुके रोना शुरू कर देता है वो, यानी अर्जेंट पुकारता है। इसी तरह लैंग्वेज में हमारी मानसिकता आती है, वो है भाषा, उसे पढ़ लो तो आप हर भाषा जान जाएंगे। बस ये साउंड के अंदर भाव की अभिव्यक्ति जानना, अभिव्यक्ति करना, यही भाषा सीखना है। बाकी वो कहीं तोते के घर में जाकर के नहीं सीख के आया था कि ये तोता ये बोलता है, तो कि सभी जीवों की भाषा सीखने के लिए उसे हजारों साल लगने थे, कई शताब्दियां लग जानी थी, बस ये भाव जान गया वो भाषा सीख जाता है, वो लैंग्वेज सीख जाता है। बच्चा भी आप उसको प्यार से बोलते मुन्ना, वो खुश होता है, देखा वो चौंक जाता है, देखा
ये साउंड लैंग्वेज है। तो आइए, हमें साहब कह रहे हैं शब्द है शब्द बखाना, इस साउंड का हमारी जिंदगी से संबंध है, हमारे अंतःकरण से संबंध है। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाशे, नानक शब्द घटा घटा छे। कभी जब अचानक भयंकर साउंड होती है आप भयभीत क्यों होते, क्योंकि वो कोशिकाओं में जिंगलमेंट हुई, इसलिए वो उस बैलेंस को नहीं ले पाई। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन, पांच शब्द उच्चारा, सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए रणकार ओंकारा। पहले सर्वशक्तिमान ने पांच नाम पुकारे, सोहं सत ज्योति निरंजन रणकार ओंकार। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना, ये पांच शब्द पांच मुद्रा, काया बीज ठिकाना, लोक वेद रस चार खान, 84 लक्ष्य बनाया, इसी से 84 लाख, इसी से सब चीजें बनी। फिर जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना, कहां कहां कौन पहुंचा कैसा वो सुनो। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज ताही। जो गोरख चाचरी मुद्रा में जाते थे गोरखनाथ जी, वो कैसे जाते थे, रूट हैं, अंदर की दुनिया में घुसने का तरीका है, वो एक फॉर्मल तरीका है, आप जो भी चाहें इसमें देख सकते हैं, जहां भी चाहें जा सकते हैं। शरीर के ब्रह्मांडी यात्राओं को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जहां भी। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, जिसको जाना गोरख योगी महातेज ताही। गोरखनाथ क्या करता था, चाचरी मुद्रा में जाता था, उसमें क्या होता है, हर एक अवस्था में जाने के लिए आयाम है, तरीके हैं। यह मैं व्यापक रूप से बोल रहा हूं, कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी भी पंथ मत मतांतर में इस पर कोई भी नहीं टॉक कर रहा है। मैं जानता हूं संभवतः मेरे पास साधन उनसे कम है, पैसा उनसे कम होगा, लेकिन टाइम आएगा हम बताएंगे। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज, कोई भी किसी को अधिक समय तक अंधकार में नहीं रखता है, आदमी फिर एक दिन हकीकत जान ही जानता है। कोई भी किसी को चिरकाल के लिए बुद्धू नहीं बना सकता है, एक दिन वास्तविकता समझ में आ ही जाती है। कैसे जाते हैं चाचरी मुद्रा में, या कैसे जाते हैं दूसरी अवस्थाओं में, ये कोई मामूली खेल नहीं है। हम सब नींद में भी तो जाते हैं ना, तो हम चेतन अवस्था से बाहर निकल जाते हैं, हम स्वप्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। कैसे जाते हैं ये आदमी को पता नहीं है, सो जाते हैं। आप कहेंगे जी सो गया, नहीं, सोने के बाद आप इन कोशिकाओं से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश लेते हैं, वो लिंग शरीर कहलाता है, अंगूठे जितना है, उससे आपका ही लोक लोकांतर देखते हैं। आप कई बार गए पर आपको पता नहीं है, थ्योरी पता नहीं है, कैसे घुसे उसमें ये पता नहीं है, फिर आप जागकर इसमें आते हैं, कितना वंडरफुल काम हुआ कि आप इस चेतन अवस्था से निकले। अब ये पूरी दुनिया की जो चीजें भौतिक आप नहीं समझ पा रहे, आप दूसरे शरीर में चले गए, पता है आप कहां हम पहुंचे, कंठ के लेफ्ट साइड में आए, इस कोशिका में आपने प्रवेश किया तब सपना आया, नहीं तो सपना नहीं आएगा। कुछ लोगों को सपना नहीं आता है, ये कोशिका डिस्टर्ब हो जाती है, ये बहुत बारीक है तो सपना नहीं आएगा, ठीक है। उस समय क्या हुआ, इस शरीर पर असर पड़ा नहीं पड़ा, ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं स्थूल शरीर है, सीज हो गया नहीं हुआ, भाई सोया हुआ आदमी कान से नहीं सुन रहा है, आंख से नहीं देख रहा है, एक कपाट पड़ गए, हम एक दूसरी अवस्था में चले गए। इसी तरह अंदर की दुनिया में जाने के लिए एक और अवस्था में जाना पड़ता है, नहीं तो वो अवस्था नहीं बनती है। इस अवस्था से बाहर निकलना है, जैसे सपना कब होगा,
हम जागृत अवस्था से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे सपना नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी मैथमेटिक लगा दें, कितनी भी अकल लगा लें, कितना भी जोर लगा लें। मेरे विचार से तो हम इस अवस्था से निकले बगैर स्वप्न नहीं देख सकेंगे, देख पाओगे क्या? इसी तरह जागृत अवस्था से निकले बगैर आदमी आंतरिक दुनिया नहीं देख सकता है, चाहे वो लगा रहे। ठीक है, इस अवस्था से बाहर निकलने से पहले जानना होगा कि इस अवस्था का बेस क्या है। कोई बताएगा, हम चेतन अवस्था में हैं, हम क्यों चेतन हैं? कोई भी बोले, इसलिए ये चेतन अवस्था क्या है मैं समझा रहा हूं। अभी हमारी ब्रेन की कोशिका पूरा काम कर रही है, जो विचार करने वाली वो भी पूरा पूरा काम कर रही है, जो याद करने वाली कोशिकाएं वो भी पूरा पूरा काम कर रही है। हमारी ये कोशिकाएं जागी हुई है, जो ओपिनियन लेने वाली कोशिकाएं वो भी काम कर रही है। आदमी को कामा में कैसे ले जाते हैं? इन्हीं को तो स्टॉप कर देते हैं ना भाई, ऑपरेशन करना है, आदमी को शून्य में ले जाते हैं, कामा में ले जाते हैं, इन्हीं को तो स्टॉप कर रहे हैं ना। इनको हम क्या बिना इंजेक्शन एक ऐसी अवस्था में ले जाना है जहां हम रियल कुछ, हम चेतन भी रहें, हम कुछ देखें भी, बेहोश भी नहीं रहे। भाई दूध से घी निकालना है, दूध से घी निकालना भी दूध को फाड़ना है। ठीक है, चाहे वो, लेकिन उसकी एक स्टेज पर ले जाते हैं। भाई हमने दही घी निकालने के लिए मोस्टली हम दही जमाए ना, वो दूध फटना हुआ नहीं हुआ, पर वो उसे इतने रेशो तक रखा ताकि ज्यादा नुकसान नहीं हो पाए, हमने उसे फाड़ा है एक तरह से, खटाई डाली ना, पर खटाई की मात्रा रेशो इस टाइप रखा कि पूरा डिस्टर्ब नहीं हो। और जब हम पनीर बनाते तो पूरा फाड़ देते, और कभी कभी उमस से खुद फट जाता है, तो हम उसको एक जामुन देते हैं, वो होता खटाई है, खटाई दूध की दुश्मन है, जरूर उस जामुन ने भी दूध को फाड़ा। कभी कभी जब ज्यादा जामुन हो जाता है, दूध दही नहीं जमती है, वो पानी पानी हो जाती है ना, हो जाता ना ऐसा कि जब कभी हमने जाक जामुन ज्यादा डाल दिया वो फट जाती है, वो जमती नहीं है। तो एक रेशो है, इस रेशो में हमें बॉडी को सीज करना है। अगर ज्यादा हुआ तो फिर हम सो जाएंगे, फिर पूरा फट जाएगा मामला। वो कैसे करते हैं? हमारी कोशिकाओं का सबसे बड़ा आधार क्या है जागृति का? हमारी ब्रीदिंग, हमारी श्वासें, हमारी श्वासाएं हमारी कोशिकाओं को, भाई बल्ब जल रहा है, आधार क्या? एनर्जी, इसी से जल रहा है ना। कोशिकाएं हमारी सजग है श्वासा से, चाहे वो ब्रेन की है चाहे बॉडी की है, पूरी बॉडी हमारी सजग है इससे। इसलिए योगी क्या करते हैं, पहले इंडा पिंगला में लय करते हैं, मध्य की नाड़ी में जाकर। ये क्यों कर रहे हैं? हमारी ब्रीथिंग नाभि में आ रही है, हम जो श्वास ले रहे हैं नाभि में आ रही है, दस वायुओं में बदल रही है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय सबल, इससे बॉडी की चेतना है पूरी। संगी